क्या आपने बैटमैन वी सुपरमैन देखी है? अगर आपको मूवी नहीं भी पसंद आई, फिर भी मेरे पास कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए जो आपको पसंद आएगी। ये जो आप ड्राइंग्स देख रहे हैं, ये एक्चुअल ड्राइंग्स हैं जो कि हॉलीवुड वालों ने बनाई थी जब मूवी बना रहे थे। तो इस तरह के लोग ड्राइंग्स बनाते हैं ताकि अंदाज़ा हो कि भाई किस तरह से जो है वो फाइनल सीन होगा या किस तरह से फाइनल कॉस्ट्यूम होगा। तो इसी तरह इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स बनाई थी ये बैटमोबाइल के लिए, प्लस जो मूवी में फाइट सीन्स उनके लिए। ये बैटमैन का जहाज़ की ड्राइंग है, ये इंटीरियर की ड्राइंग है, ये फाइट सीन की है। तो इसे डिफरेंट है, क्योंकि एक्चुअल सीन और जो डिज़ाइन होता है उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, एडिटिंग होती है। ये एक सीन है बैटमैन थिंक सुपरमैन का इंतजार कर रहा है, वही उनकी फाइनल फाइट का सीन है। अच्छा, इसमें जो हेलमेट है वो बहुत डिफरेंट है, वो कॉस्ट्यूम सॉरी वो कॉमिक वाला है। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटमैन का आर्मर्ड कॉस्ट्यूम है गन के साथ। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आर्ट ऑफ डीसी एग्जीबिशन में आया हुआ हूँ। ये वक्त ही लगी हुई है यहाँ पे। दो तीन चीज़ें जो मुझे आपको ज़रूर दिखानी है, ये एक्चुअल कॉस्ट्यूम है जो बेन एफ्लेक ने पहना था, ये सब ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट्यूम और बेन एफ्लेक देख सकते हैं आप। लास्ट में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट आर्काइव और ऊपर से लिखा है कर्सी ऑफ डीसी कॉमिक्स एंड वार्नर ब्रदर्स। अगर ये नॉर्मल स्टैचू होता तो फिर इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो बस इस तरह के स्टैचूज तो आपको किसी भी टॉय शॉप में मिल जाएंगे या कॉमिक बुक स्टोर में आप चले जाएँ वहाँ भी होते हैं। ये भी डिज़ाइंस हैं, इसे मैंने ऑनलाइन देखे थे मगर ये मैंने सचमुच फिजिकली हार्ड नहीं देखे थे। अच्छा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये है आर्मर्ड सूट बैटमैन का। तो ये एक्चुअली इस्तेमाल हुआ था मूवी में, इसका भी मैं लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मर्ड बैट सूट, ठीक है ना, कॉस्ट्यूम वर्न बाय बेन एफ्लेक, बैटमैन सुपरमैन और कॉर्पोरेट आर्काइव डीसी का। तो कैसा है? इसमें कॉस्ट्यूम इतना ज़बरदस्त है और मुझे ये मूवी भी बहुत पसंद है कि मुझे दिल नहीं भरा मेरा इसको वीडियो बनाने में। मुझे और यकीन भी नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअल कॉस्ट्यूम देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे डार्क नाइट ट्रिलॉजी का भी डिस्प्ले है पूरा, ठीक है, इसकी वीडियो मैंने अलग बनाई है। प्लस एक छोटा सा सेट है जो उन्होंने एक्चुअली मूवी में यूज़ किया था। ये वो सेट है जब बेन जो है अपना इसमें घुस जाता है ब्रूस वेन की बिल्डिंग में और फिर वो बॉम्ब से जो है वो बैट केव की जो फ्लोर है वो फाड़ देता है, उससे फिर बैटमोबाइल गिरती है। आपको अगर वो सीन याद है तो उसी सीन में ये सेट सामान होता है। खैर, अभी ये एग्जीबिशन ख़त्म पे आ रहा है आज के लिए, तो मैं सोचता जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये सुसाइड स्क्वाड की जोकर की हार्ले की पिस्टल्स हैं, ये भी ओरिजिनल हैं, ये भी आप देख सकते हैं दोनों के नाम। प्लस यहाँ पे मार्गो रॉबी का भी एक्चुअल कॉस्ट्यूम है जो उसने सुसाइड स्क्वाड में पहना था, और एक्स्ट्रा ये डिज़ाइंस भी हैं। प्लस गल गडो का भी कॉस्ट्यूम है यहाँ पे जो उसने बैटमैन सुपरमैन और वंडर वुमन में पहना था। ये आप देख सकते हैं वर्न बाय गल गडो और कर्सी डीसी कॉमिक्स एंड वार्नर ब्रदर्स। तो ये सारे जो डिज़ाइन है ये सब ओरिजिनल हैं, ये वक्त ही आए हुए हैं। यास मॉल में अभी मैं हूँ और ये तकरीबन 15 फरवरी तक हैं, उसके बाद फिर ये शायद आगे ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ये और कॉस्ट्यूम्स के डिज़ाइन है जो के कुछ इस्तेमाल हुए थे कुछ इस्तेमाल नहीं हुए थे मूवी में, कुछ चेंज हुए हैं। तो डिज़ाइनर्स यही करते, पहले कॉस्ट्यूम को जो है वो पेपर पर बनाते हैं, डिज़ाइन जब फाइनलाइज होता है फिर उसको एक्चुअली बनाते हैं। तो इसी तरह मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और डार्क नाइट ट्रिलॉजी का अलग वीडियो बनाई मैंने उस, और उससे पहले के जो मूवीज़ थी टिम बर्टन की उनकी भी वीडियोज़ अलग बनाई मैंने। तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिएगा।